बिजहरानी मीर बिजार की औलाद है, जो मीर चाकर खान सानी के छोटे भाई थे। जैकबाबाद के अवलीन आबादकार बिजहरानी इन्हीं मीर बिजार की औलाद है। बिजहरानी कबीले के फर्जंद मीर हजार खान बिजहरानी ने सियासत में नुमाया मुकाम हासिल किया और ताहाल सिंध की सियासत में सरगर्म है। 1974 में वो अपने वालिद की खाली की हुई सिंध असेंबली की नशिस्त पर रुकन मुंतखब हुए और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की काबीना में ट्रांसपोर्ट, मवासलात और रेवेन्यू और इत्तलात के वजीर रहे। 1977 में भी वो सूबाई इलेक्शन में कामयाब हुए और मुख्तसर अरसे के लिए बिजली और आपाशी के वजीर रहे। 1987 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर का ओहदा संभाला। 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी के बाद वो सदारत से मुस्ताफी हो गए और 1988 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के बाद निगरान काबीना में वफाकी वजीर सेहत मुकर्रर हुए, जबकि 1988 के आम इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 1997 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के टिकट पर कौमी असेंबली में पहुंचे, जबकि 2002 और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असेंबली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिजाज? खैरियत है, तबीयत ठीक है आप? थैंक यू, बड़ी तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या मसरूफियात हैं आजकल आप? आजकल तो अपने हल्के में लोगों से मिल रहा हूँ और वैसे भी मेरा उनके साथ काफ़ी रबता रहता है। मैंने कभी अपने हलके से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा और हलके के लोग भी मुझे उसी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और मुझे प्यार देते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानियां हैं कि वो बार बार मुझे वोट देकर इलेक्ट भी करते हैं इस हलके से। और मसाइल भी हल करते होंगे आप? यकीनन, बगैर उसके तो कोई वोट नहीं देता ना। कुछ अपने कबीले की तारीख के बारे में बताइए। हमारे आबा व अजदाद वादिय बलैदा से चले थे और फिर कलात और सिब्बी से होते हुए सिंध में दाखिल हुए। यहाँ पहला जो हमारा गांव था उसे शेरगढ़ बुलाते हैं। यहाँ इस हमारे मौजूदा गांव करमपुर से कोई 6-8 मील पे है वाके। फिर उसके बाद हमारे परदादा सरदार करम खान बिजहरानी, वो यहाँ आके इस जगह सेटल हुए जहाँ आज हमारा ये गांव है। अब तो माशाल्लाह बढ़ के एक शहर बन गया है छोटा सा। अच्छा, हैं बलोच और रूट्स सिंध में? बेसिकली हम वहीं से आए हैं, हमारी ट्राइब भी वहीं से आई है और इस इलाके में फैली हुई है। इस वक्त भी हमारी जो ट्राइब है वो आधी बलूचिस्तान में है, आधी सिंध में है। तो यहाँ आने के बाद ज़ाहिर है सिंध की मिट्टी में वो तासीर है, वो मोहब्बत है, वो कशिश है कि हमने सिंध का कल्चर भी अपना लिया है, ज़बान भी अपना ली है और घुल मिल गए हैं यहाँ के लोगों के साथ। अब वो कोई सकाफती लिहाज से कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। कब और कहाँ पैदा हुए? मैं इसी अपने गांव करमपुर में पैदा हुआ 1946 में, 23 अक्टूबर 1946। कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर कौन सा है इसमें? हम टोटल 5 बहन भाई हैं, 3 हमारी बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, अभी आपकी तालीम की तरफ आते हैं, ये बताइए कि बचपन में संजीदा थे या शरारती थे? नहीं, मैं बचपन ही से बड़ा संजीदा रहा हूँ, जो वालदैन मुझे बताते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी सीरियस चाइल्ड के तौर पे अपनी फैमिली में जो है वो पहचाना जाता था और अलग थलग रहता था। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे? बहुत अच्छे, लेकिन दूरी की वजह से, चूंकि मैं बचपन ही से अपने गांव से, घर से दूर रहा हूँ तालीम के हवाले से, तो वो जिस तरह से एक बहुत ही क्लोज़ एक फैमिली में, बहन भाइयों में एक होता है ताल्लुक, उससे मैं ज़रा महरूम रहा। लेकिन लड़ाइयाँ नहीं? नहीं, लेकिन मुझे सभी प्यार करते थे क्योंकि मैं सबसे छोटा था और दूर रहता था। तो जब भी मैं घर आता तो वालदैन तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन बहन भाई भी मुझे बहुत ही प्यार देते थे। वो कहते थे कि ये चंद दिनों के लिए छुट्टी गुजारने यहाँ आया, फिर चला जाएगा, इससे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना।
वालदैन में किसके लाडले थे, वालदा के या वालिद? मेरी वालदा मुझे बहुत प्यार करती थी, माशाल्लाह वालिद साहब भी मेरे प्यार करने वाले थे, बड़े शफीक थे, लेकिन बचपन से वालदा के साथ मैं ज़्यादा अटैच्ड रहा। बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो अब तक आपको आपके पास मौजूद? हम एक अब्दुल हमीद मेमन थे जो बाद में MPA बने ठट्टा से, एक थे यूनिस सुमरो जो माशाल्लाह बड़े काबिल और मशहूर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो एक मैं था, तो हम तीनों ने टॉप किया और उसमें हमें इनामात भी मिले, कप भी मिले, सर्टिफिकेट भी मिले, और वो सर्टिफिकेट आज तक मेरे पास फ्रेम किया हुआ मौजूद है। यकीनन कोई ऐसा वाकया भी होगा आपके बचपन का जिसको सोचकर अब तक हंसी आती हो? बस हंसी भी आती है और कुछ अफसोस भी होता है। वो ये हुआ कि क्लास में एक दिन यही डॉक्टर साहब मेरे बड़े बचपन से मेरे दोस्त हैं, क्योंकि KG से हम साथ पढ़े, तो हम क्लास में बिल्कुल आखिर में बेंच पे बैठते थे। उस दिन हम कोई आपस में शरारत कर रहे थे बैठे क्लास में, तो टीचर ने हमें देख लिया और उन्होंने हमें दोनों को हमें बुलाया और मॉनिटर जो था हमारे क्लास का उसे कहा कि इन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाएं। तो प्रिंसिपल हमारे फादर हुआ करते थे, फादर कडेरो उस जमाने में उनके ऑफिस में, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो। तो वहाँ जब हम गए तो पिटाई जो है वो आज तक मुझे याद है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मीर हज़ार खान बजारानी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती भी की होगी आपने, कुछ याद है कभी आपको कोई ऐसा वाकया? छोटा था तो ड्राइविंग भी सीख ली थी मैंने, और वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें गाड़ियां भगाने का बड़ा शौक होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपकी इब्तदाई तालीम की तरफ आते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आपके जो ख़ानदानी नाम है बजरानी है या बजरानी है? हमारे फैमिली नेम जो है वो बिजारानी है, तो बिजार के नाम से बिजारानी जो है वो सही तलफ़ुज़ उसका बिजारानी है। बिजारानी। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की आप? एक साल एक प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा, KG नर्सरी में कराची। उसके बाद फिर मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो सारी क्वेटा में हुई, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल क्वेटा में। कैसे तालिब इल्म थे, पढ़ने का शौक था या जी चुराते थे? पढ़ाई लिखाई में मैं काफ़ी तेज था। कभी पोजीशन आई या औसत दर्जे? नहीं, पोजीशन लेता था मैं क्लास में, मतलब पहले 3-4 पोजीशन, 5 पोजीशंस में मैं क्लास में आया करता था। अच्छा, जो आपका बचपन में मामला रहा कि अलग थलग रहना, वो इब्तदाई तालीम में तलबा के साथ भी अलग थलग रहते थे या नहीं? अलग थलग तो बिल्कुल खैर कोई भी इंसान नहीं रहता, लेकिन मेरे दोस्त बड़े लिमिटेड थे। एक होता है कि बड़ा सोशल और एंटरप्राइजिंग और हर जगह हंसना खिलना, लोगों से मिल मिलाना, वो उस तरह की मेरी नेचर नहीं थी। दोस्त मेरे ज़रूर थे लेकिन लिमिटेड, हर मिलने वाले को मैं आज तक भी दोस्त नहीं समझता। दोस्त बड़े चुन के मैं करता हूँ दोस्तियाँ, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोस्ती करना बड़ा आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो दोस्ती जब की जाए तो फिर उसे निभाया भी जाए। जैसे आपने डॉक्टर यूनुस का जिक्र किया, जी डॉक्टर मेरे बचपन के दोस्त हैं और मुझे फ़ख्र है ऐसे दोस्तों पर, और माशाल्लाह अब तो वो हमारे मुल्क के एक माया नाज ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन आज भी वो हम मिलते हैं तो वही जिस तरह बचपन में मिला करते थे, गले मिल के झप्पियाँ डाल के, इसी तरह मिलते हैं बड़े पुरतक पर। कभी वो वाकया याद करते हैं मिलके जो जी, पानी बिल्कुल हंसते भी हैं और यादें भी ताज़ा करते हैं। कभी स्कूल से गायब हुए भागे बीच में? स्कूल से कभी कभी हम जाते थे, भाग के जाते थे, ये पीरियड एक आध बंक करके निकल जाते थे। वहाँ चाइना कैफे एक हुआ करता था ग्रामर स्कूल के बिल्कुल पीछे, तो हम कभी कभार यूँ खिसक के वहाँ पैटीज खाने जाते थे। चाय भी बड़ी अच्छी मिलती थी और पैटीज और सैंडविचेस बड़े अच्छे मिलते थे, या फिर कभी कभार टेस्ट मैचेस होती थी उन दिनों में, टेलीविज़न तो था नहीं, रेडियो पे कमेंट्री आती थी, क्रिकेट का शौक था, तो जब मैचेस होते थे तो वो भी फिर हम कमेंट्री सुनने क्लास से कभी कभी
बंक करके भाग जाते थे और कमेंट्री सुनते थे रेडियो पे। कॉलेज कौन सा था और कॉलेज की लाइफ आपकी कैसी रही? नेशनल कॉलेज कराची में मैंने एडमिशन लिया था और बहुत ही अच्छा कॉलेज उन दिनों में कराची के चंद अच्छे कॉलेजेस में से एक कॉलेज था। लेकिन मैं अपने असातिज़ा का बड़ा मशकूर हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो तवज्जो भी देते थे और हमें पढ़ाते थे, हम भी इंटरेस्ट। कैसा महसूस करते हैं जब इन तमाम बातों को याद करते हैं, बचपन और इब्तदाई तालीम रिकॉल करते हैं, कैसा फील करते हैं? मुझे तो वो दौर बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत हसीन दौर था। और वैसे भी वो उस ज़माने में ना तो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ना कोई दुख इंसान को होते हैं, मसले मसाइल नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा मसला ये होता है कि पॉकेट मनी ख़त्म हो गई, कि पैसे कब आएंगे हमारे। लेकिन वो खुशियों का दौर है एक इंसान की ज़िंदगी में, इब्तदाई तालीम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक। सिवाय खुशियों के वहाँ और कुछ है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर एवरी पर्सन इन हिज लाइफ। कॉलेज में भी सियासत की या क्लासेस ली? और नहीं, इत्तेफाक से कॉलेज में मैंने सियासत खुद तो नहीं लड़ा कभी भी, दोस्तों की मदद हमने ज़रूर की, कन्वेसिंग भी की, लेकिन मैं खुद कभी कॉलेज में किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं बना। दोस्त बाकायदा सियासत नहीं की? नहीं, दोस्त बने हमारे, उन्होंने इलेक्शनें जीती भी, लेकिन मैं नहीं लड़ा। कोई ऐसे टीचर जिन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो आपका? प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़ा हम पे तवज्जो दी। काजमी साहब, प्रोफेसर हसनैन काजमी साहब जी, तो अभी भी नेशनल कॉलेज जी, अब भी शायद हैं वहाँ पे। और आप रابطے में हैं उनसे? जी, मैं कभी कभार मिलता रहता हूँ उनसे। अच्छा, उनको ये मालूम है कि आप बाकायदा उनके शागिर्द थे? जी बिल्कुल, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं उनके पास कभी कभार हाजिरी देने जाता भी हूँ। स्टूडेंट लाइफ के तमाम दोस्त जो थे आपके, वो अब तक रابطے में? सब काफ़ी दोस्त मेरे रابطے में हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से रابطہ रहे। तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो कराची में रहते हैं उनके साथ ज़्यादा रابطہ रहता है, कुछ लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, कुछ क्वेटा में हैं, तो उनके साथ कभी कभार होता है, लेकिन फ़ोन वगैरह पे रابطے हो जाते हैं। बहरहाल साल में दो चार मुलाकातें हो ही जाती हैं दोस्तों के साथ। खेलों में हिस्सा लेते थे? जी, मैं स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट टीम में भी हुआ करता था, फुटबॉल टीम में भी था, वॉलीबॉल टीम में भी था, ये तीन टीमों में, और फिर एथलेटिक्स वगैरह में भी। कभी कोई इनाम जीता? जी जीता, इनाम जीता, एथलेटिक्स में इनाम जीते मैंने। स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती भी की होगी आपने, कुछ याद है कभी आपको कोई ऐसा वाकया? मौज मस्तियाँ तो जाहिर है स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा होती है ना, तो उसमें तो ये होती थी। मेरे वालिद साहब ने गाड़ी मुझे, मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे गाड़ी ख़रीद के दी थी, मैंने ज़िद की थी मुझे एक गाड़ी चाहिए। तो बहुत ही मैं छोटा था तो ड्राइविंग भी सीख ली थी मैंने, और वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें गाड़ियाँ भगाने का बड़ा शौक होता है। तो इस तरह मेरे एक दो और भी दोस्त थे, उनके पास भी गाड़ियाँ थी, तो अक्सर हम गाड़ियाँ भगाया करते थे और चालान भी हुआ करता था हमारा क्वेटा में। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। मेरा पहला जो ऑप्शन था या मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत में आने का शौक था या खानदानी सियासत को देखा तो सोचा कि चलो यही काम किए लेते? नहीं, मैंने आंख तो सियासी घराने में खोली। मेरे दादा बुजुर्गवार वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होते हुए आए इस इलाके से, और उसके बाद फिर 1946 से 1974 तक, आखिरी 70 का इलेक्शन मेरे वालिद साहब ने लड़ा, तो मेरे वालिद साहब इलेक्ट होते चले आए। पहले सिंध असेंबली के मेंबर रहे, फिर जब वन यूनिट बना तो वेस्ट पाकिस्तान असेंबली, और उसके बाद फिर वन यूनिट टूटा तो फिर सिंध असेंबली, और फिर 74 में उन्होंने रिज़ाइन किया प्रोविंशियल सीट से और मैं उनकी जगह
बाय इलेक्शन में इलेक्ट हुआ। तो एक घराना तो हमारा सियासी है, आंख मैंने उसमें खोली, मेरी परवरिश उस सियासी माहौल में हुई। वो हालात वाकया, लेकिन लेकिन मेरी मेरी बचपन से ख्वाहिश ये नहीं थी कि मैं सियासी सियासत के मैदान में जाऊं। मेरा पहला जो ऑप्शन था या मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, और उसमें मुझे वालिद साहब ने पहले तो हिचकिचाया, फिर इजाज़त भी दी थी, लेकिन वो बदकिस्मती से मेरी आई साइट की वजह से वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ आई साइट का बड़ा रोल होता है। इसका गम रहा जिंदगी में? जी बिल्कुल, मुझे इसका गम रहा कि मेरी पहली ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद मेरी जो दूसरा ऑप्शन था वो सिविल सर्विस का था, तो उसमें भी मैं CSS के एग्ज़ाम की तैयारी मैंने की। मैं बैठा भी, पहले ही पेपर में वो जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक हंगामा कर दिया और स्ट्राइक कर दी, और वो सारे पेपर वेपर सारे फाड़ दिए, और सारा मामला उन दिनों वो धर्म भरम हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं कि अब ये शायद किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही कि ना एयरफोर्स ना सिविल सर्विस। तो फिर मेरे फैमिली, मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब आप हमारे फुटस्टेप्स पे क्यों नहीं चलते, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। 68 में भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, तो हम एज यंग स्टूडेंट्स बड़े मुतासिर थे भुट्टो साहब की पर्सनालिटी से। वो एक बहुत करिज्मेटिक शख्सियत थे, अट्रैक्ट करते थे ख़ास तरह से पढ़े लिखे यंगस्टर्स को। तो मैंने भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी 1968 में। 1968 यहाँ से आपके सियासी करियर का आगाज? जी, यहाँ से मेरे सियासी करियर का आगाज। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा कि आपके सियासी करियर में, जैसा आपने जिक्र किया बचपन में आप पानी में गिर गए, वो डुबकियाँ, सियासी करियर में आपकी नज़र आता है ये डुबकियाँ, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, वो हुआ ये कि मैं 68 में पीपल्स पार्टी मैंने ज्वाइन की, उसके बाद फिर पार्टी के अंदर उस वक्त तो खैर मेरा कोई ओहदा नहीं था, एज अ वर्कर मैं काम करता रहा, लेकिन एक रूरल डेवलपमेंट बोर्ड बना था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भुट्टो साहब ने मुझे उस बोर्ड का मेंबर बनाया, और 2 साल तक हम उस बोर्ड के मेंबर की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह उसको उसकी देखभाल हम करते रहे, और जो कुछ हमसे बन पड़ा डिस्ट्रिक्ट की हमने उन दिनों में खिदमत की। फिर हुआ ये कि भुट्टो साहब एक डेलीगेशन लेके अमेरिका जा रहे थे, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी भुट्टो साहब से, जाया करते थे हम 70 क्लिफ्टन मिलने, कि मुझे भी आप किसी डेलीगेशन में भेजिए। तो उनकी मेहरबानी ये हुई कि उस अपने डेलीगेशन में उन्होंने मेरा भी नाम डाल दिया। लेकिन हुआ ये कि उन्हीं दिनों जब डेलीगेशन जाने लगा था तो फ्लड्स आए थे बड़े ज़ोरदार ईस्ट पाकिस्तान में, तो सॉरी हमारे पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान तो वो जा चुका था। तो उसके बाद उन्होंने उस डेलीगेशन का साइज जो था वो कट कर दिया, और उसमें मुझे भी ड्रॉप कर दिया। तो फिर मैंने, चूँकि वीज़ा हमारा लग चुका था, अमेरिका जा रहे थे हम, वीज़ा मेरा लगा हुआ था, तो मैंने अपने तौर पे फिर मैं अमेरिका चला गया। इसी दौरान फिर भुट्टो साहब तो वापस आ गए, मैं काफ़ी महीने अमेरिका में रहा, तो मेरे वालिद साहब ने भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरा बेटा आपकी पार्टी में भी है और पढ़ा लिखा भी है, तो मैं अपनी सीट से रिज़ाइन करता हूँ, अगर आप उसे सूबाई कैबिनेट में ले लें तो इलेक्ट होना उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो भुट्टो साहब ने एग्री कर लिया, और इस तरह से फिर मेरे वालिद साहब ने 1974 में, जब सिंध की हुकूमत तब्दील हुई थी, मुमताज़ भुट्टो साहब चले गए वफाक में और जतोई साहब चीफ मिनिस्टर बने, उस चेंज में मैं इंडक्ट हुआ एज प्रोविंशियल मिनिस्टर यहाँ पे। वालिद ने यहाँ पर कहा कि उनको जीतने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, तो क्या ये मरूसी सियासत? मेरे वालिद साहब हमेशा यहाँ से जीतते आए थे, तो उनकी सीट थी, और उस लिहाज से उन्होंने ये बात कही थी कि उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, वो मैं जितवा दूंगा उनको सीट, मेरी वजह से वो जीत जाएंगे।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ताल्लुकात कैसे थे? मेरे बहुत अच्छे रहे और उनका एतमाद रहा मेरे साथ, मेरे पे, और बड़ी इज्जत देती थी। क्यों बने केयरटेकर अक्सर? अक्सर वो उनकी नज़र मुझ पे पड़ती थी तो मुझे दावत दिया करते थे, बुलाते थे, तो मैं बन जाता था।